सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू अनदर एंड अ फ्रेश वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन के बारे में, जो इसका एक नया वेरिएंट आया और जो 2020 का इसका मॉडल है, बहुत ज़बरदस्त मॉडल है। तो इसके बारे में सारी डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो टाटा है उसने इंट्रोड्यूस किया है एक नया XZ+S वेरिएंट, जिसमें आप लोगों को मिलेगा सनरूफ, और जो कि होगा नेक्सॉन लाइनअप के ऊपर, एंड इट सिट्स राइट बिलो द टॉप स्पेक XZ+O। और बाकी गाइस, इसके बारे में बात करें अगर नॉर्मल इसके प्राइसेस की और जो वेरिएंट्स हैं उसके बारे में, तो ये आपको मिलेगा 10 वेरिएंट्स में, XE, XM, XZ, XZ+, XZ+S, XZ+O, XMA, XZA+, XZA+S and XZA+O। ये थोड़ा सा, मेरे को पता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ऐसे आप लोगों को अगर मैं बताऊंगा तो 10 वेरिएंट्स के बारे में, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो में ऑलरेडी ऐसे स्क्रीनशॉट दिखा दिया है, जिसमें आप लोगों को प्राइस भी क्लियरली लिखा हुआ है और वेरिएंट्स भी अच्छी तरह आपको समझ आ जाएंगे। और जो ये 10 वेरिएंट्स हैं, इनके जो प्राइस है, तो जो बेस मॉडल का प्राइस है, जो जहाँ से प्राइस स्टार्ट होता है, तो वो होता है 6.95 लाख से, और इट गोज़ अप टू 12.7 लाख, विच इज़ ex-showroom इन इंडिया, इन बेसिकली इन दिल्ली। एंड टाटा नेक्सॉन इंजन एंड ट्रांसमिशन की बात कर अगर हम बात करें, तो ये जो है वो ऑफर होता है BS6 कॉम्प्लाइंट में 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, और BS6 कॉम्प्लाइंट में 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन। और बाकी जो पेट्रोल इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 120 PS/170 Nm, और जो आउटपुट फिगर्स आप देखेंगे तो डीजल इंजन के स्टैंड करते हैं 110 PS and 260 Nm के। और बाकी गाइस, टाटा वही ऑफर करता है दोनों, वो 6-speed मैनुअल हो चाहे ट्रांसमिशन, या फिर वो 6-speed ऑटोमेटिक हो। और अगर इसके फीचर्स की बात करें टाटा नेक्सॉन की 2020 की, तो इट ऑफर्स अ सब 4M SUV विद फीचरिंग सच एज अ 7-inch टच स्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। ये थोड़ा सा, मेरे को पता है आप लोग सुन सुन के बोर हो गए हो, ये एक ही फीचर, तो ये मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ, आगे और भी चीज़ें आएंगी इसमें, लेकिन कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें ऑलरेडी है अभी, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये है, और बाकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आपको मिलेगा, अ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें आप लोगों को ये एटलीस्ट पता लगता रहेगा कि आपके टायर में अभी प्रेशर है, हवा, अगर आपको चाहिए कहीं दूर जाना तो आप अपनी डेस्टिनेशन से पहले उसको आप चेक करवा सकते हैं। क्रूज कंट्रोल एंड ऑटो AC विद रियर AC वेंट, सेफ्टी फीचर्स सच एज डुअल फ्रंट एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर, ABS विद EBD एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP एंड ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेजेस आर स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। ये जो है, मैंने कल वीडियो डाली थी एक, तो उसमें भी ये फीचर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया था उसमें भी ये फीचर था। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके कुछ की फीचर्स की। तो नेक्स्ट लेवल सेफ्टी इसमें आप लोगों को देखने को मिल रही है गाइस, और इट हैज़ अ हाई स्ट्रेंथ स्टील स्ट्रक्चर, एब्जॉर्ब्स इंपैक्ट एनर्जी एंड प्रोटेक्ट द पैसेंजर ड्यूरिंग एन अनफॉर्चुनेट कोलिशन। भगवान ना करे कभी आप लोगों का कोई ऐसी कोई दुर्घटना हो, कभी आप लोगों का एक्सीडेंट, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, तो इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, स्टील है पूरी, जो कि पैसेंजर को काफ़ी हेल्प करती है और प्रोटेक्ट करती है। और डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, इट हैज़ अ नेक्स्ट लेवल डिज़ाइन, अ बॉक्स ब्रेकिंग SUV डिज़ाइन दैट कम्बाइंस द प्रैक्टिकली ऑफ एन SUV विद अ स्टाइल ऑफ स्पोर्ट्स कोपे। और टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो इट प्रेजेंट IRA, अ कूल न्यू कनेक्टेड टेक प्लेटफॉर्म दैट इज़ अ सिंक विद इंडिया। इट ऑफर्स अ रेंज ऑफ इनोवेटिव फीचर्स दैट आर स्पेशली डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड दैट नीड्स ऑफ इंडिया कार बायर। और टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पहले मैं और बताया था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। तो कनेक्टेड कार सेफ्टी इसमें आपको मिल रहा है, जिसमें आप अपने फ़ोन से, आप एक ऐप से आप अपने कार को कनेक्ट कर सकते हैं, इससे आप इंट्रूजन अलर्ट कर सकते हैं, आपकी कार कहाँ है, आप पार्क करके कहीं भूल गए हैं तो वो आप फाइंड माई कार इसमें देख सकते हैं, और लाइव डायग्नोस्टिक रिपोर्ट एंड रिमोट व्हीकल कंट्रोल, इसमें आपको रिमोट व्हीकल कंट्रोल भी मिल रहा है। तो ये सब कुछ जो होगा ये एक ऐप के थ्रू होगा, और वो ऐप आप लोग जब कार खरीदेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बाकी इसमें जो चीज़ मिल रही है, जैसे आप देखते हैं आईफोन वगैरह में हम लोग बोलते हैं हे सीरी, तो हमारा एक
एक असिस्टेंट जो होता है वो आ जाता है इसमें, वैसे ही इसमें आप लोगों को नेचुरल वॉइस टैग मिलेगा जिसमें आप अपनी कमांड देंगे कि एसी वगैरह के बारे में आपको कुछ भी करना है तो वो आपकी कमांड फॉलो करेगा। एंड देन जैसे एमजी में आप लोगों ने देखा होगा, और बाकी वही इसमें रिवर्स कैमरा आपको मिलेगा जिसमें आपको पार्क करने में काफ़ी हेल्प होगी। और इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में तो अभी इतना ही है। अब परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इंजन वही होगा इसका, ऑल न्यू BS6 कॉम्प्लाइंट इन पेट्रोल एंड डीजल विद पावरफुल एंड स्पोर्टी परफॉर्मेंस। और इसका टॉर्क बता चुका हूँ आपको, वही 1.2 लीटर टर्बोचार्ज रिवॉटरन पेट्रोल विद क्लास लीडिंग 120 PS 88.2 किलोवाट पावर। और बाकी अगर हम उसकी बात करें डीजल की, तो 1.5 लीटर टर्बोचार्ज टॉर्क डीजल विद क्लास लीडिंग 110 PS 80.9 किलोवाट पावर। और बाकी इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलेगा विच हैज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल रोल ओवर मिटिगेशन एमरजेंसी ब्रेक असिस्ट। और बाकी आप कभी हिल पे जाते हैं तो वो आपको काफ़ी उसमें मदद करेगा। डिस्क ब्रेक्स होंगी इसमें, और बाकी 6 स्पीड हाइपर ड्राइव सेल्फ शिफ्ट गियर्स होंगे एंड मल्टी ड्राइव मोड्स मिलेंगे आपको, जैसे कि इको सिटी और स्पोर्ट, वो अपने हिसाब से फिर कार उसमें आपको एडजस्ट करना है, फिर वो अपने हिसाब से आप चला सकते हैं। एंड अब इसकी अगर बात करें कि कस्टमर को अगर कुछ फीचर ऐसे हैं, तो रेन सेंसिंग वाइपर्स इसमें आपको मिलेंगे जिसके हम कह सकते हैं स्मार्ट वाइपर्स टू इंश्योर क्लियर व्यू। इसमें आपको क्लियर व्यू मिलेगा। क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एक्सप्रेस कूल, ऑटो हेडलैम्प्स इसमें आपको मिलेंगे विच लाइट अप द रोड विद कन्वीनियंस। एंड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले तो आजकल हर कार में मिल ही रहा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टीरियो सिस्टम में। और इलेक्ट्रिक सनरूफ और कूल्ड ग्लोव बॉक्स इसमें आपको मिलेगा जिसमें आप अपनी कोई भी, अगर गर्मियाँ जैसे आती है तो अपनी बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं तो वो ठंडी की ठंडी ही रहेंगी। तो गाइस अभी तक इसके बारे में यही इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है, और अगर कुछ छूट गया तो उसके लिए सॉरी, वो अगली वीडियो में आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, एंड आई होप आप लोगों को ये ठीक लग रहा होगा। मैं थोड़ा सा कॉन्स्टेंट रह रहा हूँ अपने चैनल पर, मैं रोज़ एक एक वीडियो डाल रहा हूँ। अभी कंटेंट नहीं है मेरे पास, तो कार न्यूज़ चलेगी अभी 10 डेज तो मिनिमम कार न्यूज़ ही आएंगी, और बाकी जैसे ही मेरे पास कुछ कंटेंट आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाई दूंगा। बाकी गाइस मैं अपनी एक वीडियो और बना देता हूँ सेंटी की कलेक्शन की, तो शायद आप लोगों को अच्छी लगे। और बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।